नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा आज हम बात करेंगे बैक टू रिलेशनशिप्स, क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ हुआ होता है, किसी को देखा है, किसी को जानने की कोशिश की है, तो दिमाग में सवाल उठते हैं। और ऐसा नहीं कहूँगी कि इस बारे में मैंने पहले नहीं बात करी है, लेकिन शायद मेरे ही समझने में कुछ शायद मैं और बेहतर समझाना चाहती हूँ आप लोगों को, या फिर खुद समझना चाहती हूँ, तो ये एक जरिया बहुत अच्छा है कि हम बात करते हैं और मैं कुछ बोलती हूँ तो मेरा दिमाग थोड़ा और खुलता है। तो हम बात करेंगे ट्रॉमा बॉन्डिंग की। अब इसका मतलब क्या है? पिछले किसी एपिसोड में, कुछ आई थिंक 3-4 एपिसोड पहले मैंने एक बात बोली थी कि मेरे आसपास एक व्यक्ति हैं जो लेडी हैं, जो अपने जिस रिलेशनशिप में हैं वो काफ़ी अब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं, नॉट फिजिकल अब्यूज बट मेंटल अब्यूसिव बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, या जो ऑपोजिट पार्टी है वो उनसे बहुत प्यार करती है, और अलग होना मतलब इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो मेरे विचार में ये आया था कि ऐसा होता क्यों है। तो कई बार बहुत सारी चीज़ों में मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि अगर पास्ट में कोई घर में किसी, या किसी के फादर हैं या जो मदर्स हैं, वो किसी ऐसी रिलेशनशिप में रही हैं जहाँ वो कंटिन्यूसली अब्यूज़ हुई हैं मेंटली और फाइनेंशियली और हाउएवर व्हाटएवर दूसरा नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप्स में रही हैं, बच्चे उस माहौल में बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसी में अपना कंफर्ट खोज लेते हैं, और ना चाहकर भी वो ऐसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं अपने प्रति। अट्रैक्ट भी उसी ऐसे ही लोगों से होते जो वही उनको कंफर्ट वापस दे पाते हैं, जो एक्चुअली इज अ रॉन्ग प्लेस टू बी इन। तो ये तो एक एस्पेक्ट था ही ट्रॉमा बॉन्डिंग का, बट ट्रॉमा बॉन्डिंग, ये ट्रॉमा का एस्पेक्ट है, वुड से ट्रॉमा बॉन्डिंग इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। ये मैंने ऑफ लेट समझा। द रीजन इज क्योंकि हम एक सीरीज देख रहे थे पाकिस्तानी, आजकल पाकिस्तानी सीरीज पे मेहरबान है, हमेशा से ही है, पर आजकल देख रहे थे एक सीरीज, अभी खत्म किया हम लोगों ने, उसका नाम था जैसे जैसी आपकी मर्जी। अब ये सीरीज जिन्होंने, पहली चीज़, पहले तो डिस्क्लेमर कि भाई इस सीरीज में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा बॉन्डिंग दिखाई गई है, तो प्लीज़ जो लोग सेंसिटिव हैं या इमोशनली वीक हैं थोड़ा, या जिनको इन चीज़ों से ट्रिगर हो जाती हैं दूसरी चीज़ें, तो प्लीज़ ये सीरीज़ को ना देखें। और बाकी जिन लोगों को इस बारे में जानना है या समझना है वो इस सीरीज को देख सकते हैं, एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। पाकिस्तानी सीरीज ऑन द होल काफ़ी ऐसे टॉपिक्स को एड्रेस करती है जो जो आज की सोसाइटी में बहुत ही प्रोमिनेंट हैं, तो ये उनमें से एक है। अच्छा, जैसी आपकी मर्जी में बहुत जल्दी से आपको बता दूं क्या दिखाया गया था, तो उसमें ये दिखाया गया था कि भाई एक बहुत ही इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल लड़की है जिसकी शादी हो जाती है ऐसे घर में जो हस्बैंड उसका बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है और अब्यूसिव है। हाउएवर पहले तो वो इनिशियल में तो वो रेड फ्लैग्स उसको दिखते भी हैं और वो समझती है कि उसके साथ सही नहीं हो रहा और उसके अगेंस्ट भी खड़ी होती है, लेकिन समहाउ ये बंदा उसको ऐसे मैनिपुलेट करता है कि वो लड़की इस जाल में फंस जाती है, और उसको बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होता है कि शायद वो इस बंदे से बहुत प्यार करती है और इसके बगैर रह नहीं सकती, और उसकी जो ज्यादतियाँ होती हैं वही उसको बहुत कहीं ऐसा लगने लगता है कि शायद वो डिज़र्व करती है वो सब जो भी उसकी ज्यादतियाँ हैं, और जो भी जब भी वो उसको वो जैसे ना कि कुत्ते की जैसी जिंदगी होती है कि पुचकारा तो कुत्ता दौड़ के आ गया, डांटा हड़का दिया तो दौड़ के चला गया दुम दबा के, क्योंकि उसको पता नहीं कि उसका मास्टर अभी खुश है कि नहीं। वो मास्टर और सर्वेंट वाला रिलेशनशिप हो जाता है, और समवेयर जैसी आपकी मर्जी में ट्रॉमा बॉन्डिंग को थोड़ा काफी अच्छे से दिखाया है। तो जिनको इसको समझना उस सीरीज को देख सकते हैं, और कुछ जिनको नहीं वो हमारी बातें ही सुन लें, वही बहुत है। हाँ, तो ट्रॉमा बॉन्डिंग क्या होता है? तो ट्रॉमा बॉन्डिंग में यूजली रिलेशंस में क्या होता है कि इनिशियली जब रिलेशन शुरू हो रहा होता है तो आप क्यों अट्रैक्ट होते हैं उस बंदे के प्रति, क्योंकि आपको अंदरूनी कैरेक्टर तो पता ही नहीं होता है कि वो है क्या,
आपको बस ऊपर से चार्मिंग पर्सनालिटी, वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, वेरी गिविंग, वही बंदा दिखता है, क्योंकि यही वो पोर्ट्रे करते हैं। तभी तो आप फंस जाते हो ऐसे रिलेशन में, फिर आप फंस जाते हो, ठीक है। फिर जब आप फंस जाते हो और आप उस रिलेशन में घुस जाते हो, तो फिर कहानी पलट जाती है और दूसरी चीजें शुरू होती हैं। जो जब वो चार्मिंग और लविंग और ये सब दिख रहे हैं इनिशियल स्टेज में, जब वो कोर्टशिप पीरियड है या व्हाटएवर, तभी भी उनके कहीं कहीं तो एस्पेक्ट्स दिखते हैं, या कभी कभार वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, या कभी कभार वो बहुत पजेसिव हो जाते हैं, या कभी कभार वो ऐसा कहते हैं कि भाई तुम कितनी देर तक अपने दोस्तों से बात करोगी, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझसे क्यों नहीं बात कर रही हो। ये सब एस्पेक्ट्स आते हैं, लेकिन इन चीज़ों को, क्योंकि इनकी इनकी एक तो क्वांटिटी कम होती है, और चूंकि आपको ऐसा महसूस होता है या महसूस कराया जाता है कि ये तुम्हारे प्यार के है सब कुछ, कि वो इतना प्यार करता है या इतना जान छिड़कता है कि तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता, और ये सब चीज़ें उस वक्त बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी फेरी टेल टाइप की लगती हैं। प्रॉब्लम्स बाद में शुरू होती हैं, तो आप उस वैसे रिलेशन में तो घुस जाते हो। फिर आपको लगता है कि ऑफ एंड ऑन कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि वो बहुत जल्दी झड़क जाता है। नहीं दिखाते मूवीज या किसी भी सीरीज में कि बच्चा आके अपने पेरेंट्स के पास बार बार आके कोई बात कर रहा है, और पता चलता है कि जो पेरेंट है अभी धीरे 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 बोल रहा है कि बेटा मत करो, बेटा मत करो, बेटा मत करो, लेकिन सडनली पेरेंट फट जाता है कि बोल रहे ना कब से तुमको, मत करो ऐसा, तो बच्चा घबरा जाता है और सहम के चला जाता है। ये जो है इमोशनली अनप्रिडिक्टेबल लोग जो होते हैं, उनकी हरकतें ऐसी ही होती हैं। आपको पता नहीं चलता कि अभी वो कैसे बिहेव कर रहे हैं और दूसरे पल किस वजह से वो दूसरे हो जाएंगे। अभी वो बड़ा आपकी वाहवाही कर रहे हैं और सडनली आपने कोई ऐसी बात बोली कि अरे मेरे मेरी माँ का फोन आया था और उन्होंने ऐसा बोला कि भाई तुम आ जाना, बस हो सकता है ये ट्रिगर कर जाए उनको और वो गुस्सा हो जाएंगे, एकदम से चिल्लाने लगेंगे, और आप अपने को क्वेश्चन ही करते रह जाओगे कि ये किया क्या, हुआ क्या। और दूसरी चीज, ट्रॉमा बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा ये दिखाते हैं कि वो घुमा फिरा के हर चीज आपके माथे डाल देते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। ये तो हर रिलेशनशिप में जहां कंफ्यूजन होता है वहां ये तो जरूर होता है एस्पेक्ट। और कहीं आप भी ये बिलीव करते हो कि आप ही की वजह से सब गलतियां हो रही हैं, क्योंकि वो ऐसा बना देते हैं माहौल कि लगता है कि आप ही की वजह से हो रहा है, और आप खुद भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से बिलीव करने लगते हो। अब आदमी सोचे कि भाई जब ऐसी रिलेशनशिप्स होती हैं इतनी गड़बड़ सड़बड़, तो आदमी टिका क्यों रहता है उनमें, क्योंकि ट्रॉमा बॉन्डिंग में, ट्रॉमा बॉन्ड वाले जो रिलेशन्स होते हैं उसमें ऊपरी ऊपरी बहुत कुछ अच्छा अच्छा होता है, प्रॉब्लम सारी अंदर होती है। तो जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ही परफेक्ट कपल जैसे दिखोगे, क्योंकि जो आदमी है आपका, जो पार्टनर है, वो बहुत ही जोवियल है, बहुत ही विटी है, बहुत ही नॉलेजेबल है, तो वो पब्लिक में जब घूमता है तो ही कैरीज एन इम्प्रेशन, लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, लोग उस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं, और आप और वो दोनों जब कहीं जाते हो तो लोगों को ऐसा लगता है कि तो परफेक्ट कपल है यार, क्योंकि बाहर वो व्यक्ति बहुत ही अलग होता है, तो आपको आप काफी प्राउड फील करते हो उस व्यक्ति को बाहर देखकर, उसकी बाहर बातें सुनकर कि माय गॉड ही इज सच एन आइडियल पर्सन, सब चीजें इसको पता है, कितना ज्ञान रखता है हर चीज के बारे में। और लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई इससे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, जो भी व्यक्ति इसके साथ है रिलेशन में वो तो बहुत ही लकी है, और आप खुद भी ये महसूस करने लगते हो कि हाँ ऐसा ही है, मैं बहुत लकी हूं। फिर दूसरा, ट्रॉमा बॉन्डिंग वाले जो लोग हैं, जब आपको ब्लेम करते हैं किसी चीज के लिए, अच्छा चूंकि ओके, दूसरी चीज कि गलतियां जब उनसे होती हैं इन लोगों से, क्योंकि अंदरूनी तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स और बहुत ही विचित्र लोग हैं, कंट्रोलिंग हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते हैं, अब्यूज करते हैं, तो जब वो ऐसा करते हैं और उनको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो वो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो तुरंत बैक ऑफ करके दूसरी चीज़ों से, जैसे आज वो लड़के गया, अगर फिजिकल अब्यूज नहीं है से फॉर इंस्टेंस, तो आज बहुत भयंकर लड़ाई हुई, आपको मार, उन्होंने ब्लेम श्लेम किया, और आप ऐसे स्टेट पे आ गए कि बहुत ही गलत जगह हूँ मैं, मुझे यहाँ होना नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन दूसरे ही पल वो व्यक्ति बाहर जाएगा और फिर मार गुलदस्ता लेकर आ जाएगा,
और आके कहेगा कि ये तुम्हारे लिए है और चलो साथ में डिनर चलते हैं और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जो मुझसे हुआ वो गलत था। कई बार गलत था ये बोलेगा भी नहीं, लेकिन वो इतना ज़्यादा आपको उस वक्त इम्पोर्टेंस देगा कि आप जो वो एपिसोड कुछ ही पल पहले हुआ है या कुछ घंटों पहले या एक दो दिन पहले वो आप कंप्लीटली भूल जाओगे। और दूसरा, आपको कहीं ये भी पता है कि अगर आप उस एपिसोड को वापस मेंशन करोगे तो फिर से पंगा होगा। तो आप भी थोड़ा इस गुमान में रहते हो कि भैया अच्छा ही है सब, प्यार तो करता है, कितना तो मेरे लिए करता है, कितनी चीज़ें तो करता है। फिर ये व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो आपको, जो आपके लिए खास हैं, उनसे आपको दूर तो कर देते हैं लेकिन जब आप उनके साथ होते हो तो बहुत इंपॉर्टेंस भी देते हैं। तो जैसे आपकी मर्जी में वो बंदा जो है वो लड़की के पेरेंट्स के लिए घर खरीद देता है, बहन को कॉलेज लेके जा रहा है, ला रहा है वहाँ से उसकी कि भाई मैं तो बड़ा रक्षा कर रहा हूँ ये और वो, मैं तो बड़ा ख्याल रखता हूँ। तो लड़की सोचती कि सही में ये तो घर का लड़का मतलब हमारा भाई या रिलेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी वो कितनी जान छिड़कता है हमारे पेरेंट्स में। अब चूँकि पेरेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो आप दबाव में आ जाते हो, कह रहे ये तो इतना करता है, मैं क्यों ऐसा सोचती हूँ कि वो खराब आदमी है, या मैं क्यों ऐसा सोचती हूँ कभी कभी कि मेरा गलत, मैं गलत जगह आ गई हूँ। तो ये जो ट्रिक्स है ना, ये बहुत ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं इन लोगों के पास। लेकिन हाँ, अगर आप नोटिस करें तो आप कभी भी अगर अपने पेरेंट्स से या जिनसे भी आप प्यार करती हैं या जिनके साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं उनसे आप बात करना चाहती हैं, मिलना चाहती हैं, तो किसी ना किसी बहाने वो आपको नहीं करने देता। वो चाहे आप कहो कि भाई आज मुझे पेरेंट्स के पास जाना है, तो हो सकता है वो कोई ऐसा प्लान बना के, अरे आज तो मैंने सोचा था हम लोग अकेले रोमांटिक डिनर पे जाएंगे, तो आपको लगता है अरे इसने इतना ज़्यादा प्लान किया। चाहे उसने ना किया, उसी वक्त बोल दिया है, लेकिन आप तो जहाँ से पड़ जाते हो कि अरे इसने इतना डिनर प्लान किया, चलो पेरेंट्स से मैं कभी और मिल लूँगी, और आप छोड़ देते हो। फिर हर बार ऐसा ही करता है वो। और आप अगर फ़ोन पे थोड़ी भी देर बात, किससे बात कर रही हो, बहन से, अरे क्यों कर रही हो बात यार, मैं कब से यहाँ बैठा हूँ, तुम्हें पता है मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारे बगैर, तो तुम वहाँ अपनी बहन में लगी हुई हो, मुझे भी कभी देख लिया करो, तो आपको लगने लगता है अरे यार बेचारा कितना प्यार करता है, मुझे उसके पास बैठना चाहिए, मेरे बगैर जी नहीं सकता। लेकिन वही थप्पड़ करके एक मूवी भी है जिसके बारे में शायद मैंने कई बार बोला होगा, लेकिन वो उसमें जो थप्पड़ है ना वो अवेकनिंग होता है उस लड़की के लिए, कि जो जो भी उसके साथ गलत हुआ था उस रिलेशन में वो उसको फटाफट दिख जाता है। और वो थप्पड़ था, एक ही थप्पड़ था, लेकिन वो थप्पड़ है जो उसको रियलाइज कराता है कि जहां वो फंसी हुई है वो गलत जगह है और उसको वहां से निकलना चाहिए। तो अगेन, जो लोग ऐसे रिलेशंस में हैं, बाहर वाले उनको अगर बोलेंगे भी ना तो वो समझेंगे नहीं कि वो ऐसे रिलेशंस में है, लेकिन वो खुद ही कहीं ना कहीं वो ताकत खोजेंगे और निकालेंगे जब उनको ये रियलाइज होगा कि सही में उनके साथ गलत हो रहा है या कि वो अजीब से रिलेशनशिप में है जो उनके लिए हेल्दी नहीं है। तो वो एक थप्पड़ जो है वो किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में, किसी इंसिडेंट्स के रूप में, या कभी ऐसा कुछ होगा आपकी फैमिली के साथ, या कुछ ऐसा कि जहां आपको ये रेड फ्लैग्स बहुत सारे एक साथ दिखने लगेंगे। जो रेड फ्लैग सारे दबे हुए हैं वो एक किसी इंसिडेंट से भड़बड़ा के सब बाहर आ जाते हैं। जब वो आ जाएंगे बाहर तो वो आपको ताकत भी देंगे कि आप ऐसी गलत जगहों से निकलो बाहर। लेकिन वही है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग ऐसी जगह हैं और ताउम्र रहते हैं ऐसे रिलेशंस जो थोड़ा एक्सट्रीम में होते हैं। कई बार आप ये भी देखते हो कि चूंकि आपके साथ गलत हुआ होता है तो आप कई बार ऐसी जगह रहते हो कि कोई कुछ बोलता है आपके पार्टनर के अगेंस्ट, या हर बार आपको उस डिफेंड करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों में, या फिर कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप आप किसी को बताते नहीं हो, शेयर नहीं करते हो, क्योंकि बाहर अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं तो आपकी हिम्मत नहीं होती या आप खुद छुपाते रहते हो। तो अगर आप बैठ के सोचें तो आपको समझ में आएगा कि क्या ऐसा है आपके रिलेशन में कि कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप आप किसी को बताते ही नहीं हो। और ये मैं सेक्स की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल एवरीडे लाइफ में बिहेवियर कैसा है एक दूसरे के प्रति वो आप नहीं बताते हो लोगों को, क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट और इतना ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट और इतना ज़्यादा शोशा वाला है, इतना ज़्यादा अच्छा और परफेक्ट है कि उसी को आप दिखाते रहते हो। अंदर वाली चीज़ें आप किसी से शेयर नहीं करते हो, तो आप समझ जाओ कि कहीं आप गलत जगह बैठे हो, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों आप हर चीज़ ओपनली नहीं बता सकते, क्यों ट्रांसपेरेंसी नहीं है,
और ऐसे रिलेशंस में आप धीरे धीरे महसूस करोगे कि आप खुद इमोशनली नम हो गए हो, कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इतने ज्यादा झटके लग चुके होते हैं ना, सुबह शाम रात कभी भी शोर होने लगता है घर में, कभी भी चिल्लपों शुरू हो जाती है, तो आप थोड़ा नम हो जाते हो इन चीजों से कि भाई चिल्ला रहे हो चिल्ला लो भाई मैं जा रही हूँ, आप उठ के चले जाते हो या आप वहां बैठते नहीं हो या आप सुन लेते हो, सोचते हो कि हाँ आप तो होना है ये, तो वो चीजें जो पहले आपको बहुत असर करती थी वो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आप उसी स्थिति में रहते रहते हो, वो अब्यूज जो है आपका वो आपकी आदत से पड़ जाती है और आपको उनसे उस चीज से नेगेटिव कोई असर नहीं होता, पॉजिटिव तो कोई सवाल ही नहीं, और नेगेटिव जो होना था वो हो चुका, आप एकदम नम हो जाते हो जैसे चलती फिरती पुतली और आप वही जीवन चलता रहता है। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने अपने रिलेशंस में घुसकर एकदम उसकी पोस्टमार्टम करने लगें, लेकिन अगर कभी भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी रिलेशनशिप में कदर नहीं है या कुछ गलत आपको दिखता है आपके रिलेशन में, तो अपनी बाउंड्रीज अर्ली ऑन सेट कर लें। जो लोग ऐसे रिलेशंस में हैं, अभी शादी नहीं हुई है पर अभी कोर्टशिप पीरियड में है और आपको लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं आपको मिसयूज हो रहा है या आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो या आप अब्यूज हो रहे हो, तो उन रेड फ्लैग्स को रिकग्नाइज करें अर्ली ऑन। और अगर आप रिकग्नाइज कर लेते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी बाउंड्रीज सेट करें, क्योंकि कई बार होता है भाई कि भाई आपको उस रिलेशन में रहना है तो आपकी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी आपको। कई बार ये रिलेशंस वर्क भी करते हैं, क्योंकि वही है ना कि लगता है आपको कि आपके अच्छे दिन वो हैं कि जब वो बहुत चार्मिंग है, वो बहुत लविंग है, तो वो आपके दिन अच्छे बीतते हैं। जो मैक्सिमम डेज हैं वो खराब बीतते हैं, तो जो मैक्सिमम डेज खराब हैं उनमें अगर आप बाउंड्रीज सेट कर लेंगी तो शायद आपको थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अंत में तो आपको यही करना है कि आप उधर से बाहर निकलो अगर अब्यूज बहुत ज्यादा, जो अगर आपने डिसाइड किया कि आपको उस रिलेशन में रहना है तो फिर अपनी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी कि भाई इसके बाहर नहीं, इतना बहुत हुआ, इससे ज्यादा नहीं, अब बस। ये सब आपको करना शुरू करना पड़ेगा। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात किसी और चर्चा के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया बाय।